कल से बेहतर आज है और आज से बेहतर कल होगा। जब इस उम्मीद से आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं तो हमेशा आज कल से बेहतर ही होता है, चाहे वो आने वाला हो चाहे वो बीत चुका हो। तो रास्ते में रुके हैं, स्टॉप लिए हैं सिंगापुर। यहाँ से अभी सिर्फ बचा है लगभग, आप मान के चलिए 30-35 किलोमीटर। और चाय पीने की इच्छा जो है वो सुबह हमने चाय पी थी एक जगह पे, बट वो चाय उतनी अच्छी थी नहीं, तो हमने सोचा कि एक बार चाय तो जो है वो पी ही लेते हैं जब रुके हैं कहीं जगह। तो इसलिए यहाँ पर लाइन से रोड में बहुत सारे ऐसे स्टॉप्स हैं यहाँ पर चाय पीने के। चाय तो मज़ेदार है ही, उसके साथ इधर आया है मिसल पाव। मिसल पाव यहाँ का पटेहाल तीखा रहता है, खा के देखते हैं कैसा है। मम्मी को तो अच्छा लगेगा ही गारंटी। 200 प्रकार का पान देख के छोटू को पान खाने भेजे थे पापा। छोटू के वही से लिया पान नहीं खाने का क्या था कारण? वो पान को पान के जैसे खाते हैं, चॉकलेट है उसमें दुनिया भर का फ्लेवर है। 1200 रुपए का भी पान है। डेंजरस है यार। चलिए मम्मी जी, बिना कुछ बोले ही चल रहा है मम्मी का जीवन। पहुँचे हम लोग सिंगापुर, ये पीछे मंदिर है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे अभी पहले वाला जो रूल था जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, जल्दी चलते हैं तो नहीं सूखेंगे यार। यहाँ पहले नहा वहाँ के जाना पड़ता था ड्रेस चेंज करके, लेकिन अब शनिदेव को जो पहले वैसे चढ़ता था ना बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा गीला कर ले रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद पोछना नहीं रहता है, शनिदेव में ऐसे गीले का मान है। तो चलते हैं यहाँ से सीधे। खैर 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है कोई भी जगह के हिसाब से, पर 15 साल में कायाकल्प हो गया पूरे इस जगह का। पूरी चीजें बदल गई हैं, सारी चीजें बदल गई हैं, काफी अलग हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और मतलब एवरीथिंग इज चेंज्ड जब मैं मैंने लास्ट रिमेंबर। और डायरेक्ट आप अभिषेक करेंगे तो 500 रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है, नहीं तो वो बने हुए हैं, आप वहाँ से तेल अभिषेक कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। शनिदेव महाराज आप सभी के जीवन में मंगल कामना लेकर आए। तो यहाँ से जो है आप प्रसाद ले सकते हैं, 20 रुपये का पैकेट है। और अंदर दर्शन मस्त हुआ क्यों बाबा? बहुत शानदार, दस मिनट लगा सिर्फ, लाइन लगाना ही नहीं पड़ा। मान बहुत अच्छा दर्शन हुआ और प्रसाद भी जो है आ गया है। और हम लोग अभी साथ में जो है, एक बार आप दर्शन करने उसके बाद वापस पलट के नहीं देखना रहता है शनिदेव महाराज की मान्यता है। तो हम लोग चुपचाप उसके बाद आगे आ गए, प्रसाद खाते हैं शानदार। जहाँ से एंट्री थी वहीं से एग्जिट है, अब निकल रहे हैं बाहर। लगी है भूख छोटू को, क्योंकि खाया नहीं था। भूख तो लगा हुआ जोरदार, मैंने मीठा कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। सीधा शिरडी चलते हैं तब। चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, सीधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। सीधा वहाँ अपना रूम है ऑलरेडी, पानी पी लिया जाए यार। यहाँ पे प्रसादालय है, जेडी को वहीं लेके जा रहे हैं। भूख लगी है जेडी जी को, प्रसादालय में खाना खाएगा। ये जो है प्रसाद काउंटर है यहाँ प्रसादालय। 50 रुपये का आप कटवाएंगे यहाँ पे टोकन और जाएंगे अंदर, लाइन से बैठ के खाएंगे खाना। ये ऐसा कुछ है, एक्सपीरियंस करते हैं ये भी, कुछ समथिंग वेरी डिफरेंट। भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगी है, पर भूख तो जो है एकदम ही नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेंगे। पूरा आधुनिक तकनीक है, एक एक आधुनिक तकनीक है इसमें ला के देते जा रहे हैं मस्त शानदार। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद में अब निकल जा रहे हैं, सीधे शिरडी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का रूम वूम ऑलरेडी बुक है। थकान भी हो गया और बहुत तेज़ धूप हो गई यहाँ पे, मतलब बारिश प्रेडिक्टेड था, तो बारिश नहीं हुआ तो तेज़ जो धूप हो जाती है ना बारिश के टाइम पे, कुछ वैसा हाल हो गया। चलते हैं गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से सीधे शिरडी के लिए। रास्ते में रुकेंगे डेफिनेटली चाय वाय पीने के लिए, ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ से चलते हैं फिलहाल। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं शिरडी, और ये जो है ये अपना होटल। और ऊपर चलते हैं, थकान है थोड़ी, तो थोड़ी देर सो लेंगे, आराम करेंगे, फिर निकलेंगे दर्शन करने के लिए। और ठीक सामने रुक्मणी मंदिर भी है, तो अच्छी जगह पे है। गाड़ी पार्क कर दी है, अब निकालते हैं सामान और चलते हैं ऊपर रूम में, और फिर आपको रूम दिखाते हैं हर जगह। एक्चुअली हम लोग का प्रेफरेंस रहता है कि एक ही रूम में जहाँ सारे लोग मिल जाएँ, तो ऐसे यूजुअली हर जगह पर होता नहीं 4-5 लोगों के वाला रूम,
तो जिस भी जगह में ऐसा मिल पाता है, कोशिश यही रहती है कि एक साथ रहें सारे लोग, क्योंकि ऐसे ही कम समय मिलता है हम लोगों को साथ में बिताने का। उसमें अलग अलग रूम हो जाए अगर तो सब अलग अलग हो जाते हैं, और फिर ज़्यादातर समय आप दूसरे वाले रूम में ही बिताते हैं क्योंकि सोना वहीं है, तो ऐसी बात है। क्यों मम्मी जी? हम लोग भी यही चाहते हैं कि अपने समय बिताए। ही मम्मी ये नियमावली चालू की थी वहाँ से, पूरी से दो रूम मिल रहा था लेकिन एक ही रूम लिए थे हम लोग, तब से चल रहा है अभी तक। आते ही रूम टूर तो नहीं दिया आप लोगों को, बट कुछ ऐसा है रूम, मल्टीपल बेड्स हैं यहाँ पे, सब आते ही हम लोग पसर गए हैं। जेडी जी, yes. कुछ खाना वाना पसंद करेंगे क्या? थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट सो जाएगा अभी, नहीं सोएंगे, बाकी टाइमिंग देख रहा है कि नहीं तो हम लोग का परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट से भी आगे है यार। ड्राइवरी स्किल को रेट करिए हमारे 10 out of 10। एक्स्ट्रा थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहिए, बधाई के पात्र हैं आप, इसमें कोई दो मत नहीं है ना, एकदम लाजवाब ड्राइविंग। खुद जब दुनिया में कोई तारीफ ना करे तो खुद तारीफ लेना चाहिए, इसीलिए नहीं जरूरी है भाई, तारीफें काबिल है, मजाक छोड़े है, कंटिन्यू अभी तक मेरे को चलाने नहीं दिया है, कम बड़ा बात है। मैं तो आपको उसी से समय बोला था ना कि आपका आखिरी है, उस समय पापा जब बागबहार में चलाए थे उसके बाद ही बोल दिया था पापा। ठीक है, ज्यादा हम लोग का जैसे आज 250 चले, लेकिन मैं उस टाइप का शौकीन नहीं हूँ, वो क्या है कि बैठने में ज्यादा मजा आता है, बैठने में रिलैक्स है ना, और चलाना मतलब भाई क्या है कि वो पूरा बादरसन को अपने ऊपर लेके चलना है ना, मजाक छोड़े है भीड़ भाड़ ट्रैफिक में, रायपुर से घर जाते समय चलाएंगे शाम से अपना इलाका में। ठीक है, हम आराम करते हैं आयुष महाराज की तरह, हम भी सूतल जाए। निकल चुके हैं हम लोग पुनः, छोटू और आयुष महाराज सो चुके थे तो अब वापस जा गए हैं। रात भर नहीं सोए थे? क्यों नहीं सोए थे, किसने रोका था आपको सोने? जनरल टाइम सोने का मतलब 2:30 बजे, और तुम लोग 2:30 बजे तो उठने बोले थे। ना सक्सेसफुली 3:30 बजे लेकिन उठ गए थे सब लोग, 4 बजे निकलना था लेकिन निकले 5 बजे, ठीक है सही पर्याप्त समय था। चलते हैं धीरे धीरे, पैदल जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे। तो औरंगाबाद में मैं और पापा इतना मेडिकल खोजे, हम लोग को मेडिकल नहीं मिल रहा था, अब यहाँ जब से निकले हैं तब से 2 मेडिकल दिख गया, तो अब से अच्छा लोकेलिटी का पहचान हम लोग मेडिकल स्टोर को बना सकते हैं। जहाँ मेडिकल दिखा मतलब वहाँ जगह ठीक है, बल्कि वहाँ जो 200 दिखा हम लोग को जड़ी बूटी का था। हम लोग कुछ कुछ दवाइयाँ लेनी थी, जैसे मेरे को लियोसिट्रिजिन भी लेना था, वो भी नहीं ले पाए। पैदल पैदल चल रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया लोकेलिटी है, चौड़ा चौड़ा सड़क है, चौड़ी सड़कें हैं, और यहाँ जहाँ से हम लोग निकले वहाँ से 600 मीटर है सिर्फ मंदिर। छोटू का फ़ोन निकल चुका है मैंडेटरी स्नैप बनाने के लिए, जो भी शिरडी आता है वो ये ज़रूर बनाता है, ये आयुष का भी निकल गया इस तरह, दोनों का ज़रूरी था। अब तीसरा फिर मैं भी बन जाऊँगा, मैं भी निकाल दूँगा, ये मंदिर जाने के लिए मेरे को लग रहा है टांगा भी है। तो यहीं हम लोग फ़ोन जमा कर रहे हैं, यहाँ पे भी अंदर फ़ोन लाउड नहीं है फिलहाल, यहाँ पे फ़ोन जमा करके फिर निकलेंगे यहाँ से। 3 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली ये प्रसाद है हमारे हाथ में है, उसको डाल देते हैं इसमें। बताइए सर, अपना हाईएस्ट वो था वेटिंग पीरियड इतना कहीं नहीं रुके थे अभी तक ना। यहाँ पे 200 रुपए में टिकट मिल रहा है कुल मिला के दर्शन के लिए, जिसको अगर नहीं लेंगे आप तो आपको लगभग 4 से 5 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, और लाइन नहीं आपको वेटिंग रूम हॉल में बैठा देते हैं, और 200 अगर आप देंगे तो आधा घंटा। वैस जे डी भैया सेड कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, और प्लस जो सिस्टम है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि आपको एक वेटिंग मल्टीपल वेटिंग हॉल्स है, और एक्चुअली हम लोग का टाइमिंग भी थोड़ा ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग जस्ट आरती के टाइम पे गए थे, और आरती के टाइम पे आपको वेट करना पड़ता है जब तक आरती ख़त्म नहीं हो जाती। वैसे 4 हॉल बने हुए हैं, उन 4 हॉल में लोग वेट करते होते हैं, और फिर उसका एक एक करके सारे हॉल्स को छोड़ा जाता है, तो हम लोग को लगभग अब तकरीबन मान लो 3 से 4 घंटे लग गए टोटल दर्शन करके निकलने में। तो अब जो है हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, जाएंगे मस्त भोजन करेंगे क्योंकि भूख लग गई है। हम लोग को बिल्कुल ये नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, पर ठीक है जो होता है अच्छा होता है, दर्शन अच्छे से हो गए, अब निकलेंगे यहाँ से और चलेंगे खाना खाते हैं। ये आ गए हम साईं प्रसादालय, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बट एक बार में 10,000 लोग खाना खाते हैं यहाँ पे, और नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऊपर एसी में बैठ के वीआईपी खाना है आपको तो 25 रुपये लगते हैं। ये अभी जानकारी हमें मिली है बाहर से,
ये अंदर जाके कंफर्म करके आपको और बताएंगे। ऐसा कुछ माहौल है और यहाँ पे लाइन से सबको बिठाया जा रहा है खाने के लिए, एक करके लाइन से, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से खाना परोसा जा सके। पांच मिनट पहले ये पूरा खाली था, जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ लग रहा है लाइन से पूरा भर चुका है वहाँ, क्रेजी भीड़ है। इधर खाना खा के निकल गए हम लोग, मन तन धन सब तृप्त हो चुका है, बिल्कुल जीरो रुपए में, और सब ओवर ईट कर चुके हैं इसके कारण। एक्स्ट्रा चावल को लगा दोबारा आएगा नहीं, ईगो हर्ट कर दिया भैया का, ये तो ला के और पूरा ऐसे ऐसे करके डाल दिए, तो वही जो एक्स्ट्रा लिए थे वही एक्स्ट्रा हो गया हमारे लिए। बाकी रोटी दो दो मिलेगा ये उम्मीद भी नहीं था, पहले बार में ही दो दो, बाकी स्वाद बहुत मस्त था, मज़ेदार। पापा मम्मी का भी तृप्त है पूरा फुल, जिसे हम बस खाना वाना खा के आके अब सोने का समय है, सो जाते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, सेवा के लिए।